तो दोस्तों कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हमारी आज की कहानियाँ हो सकता है कि आपको थोड़ी अजीब लगे, मगर मैं कर भी कह सकता हूँ, जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूँ कि मैं हर किसी की कहानियों को अपने इस चैनल पर जरूर डालता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी की भी कहानियाँ ना लेकर उसका जरा भी दिल दुखाऊँ। बाकी दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूँ तो कहानियाँ सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूँगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। मेरा नाम ओमकार है और ये कहानी तब की है जब मैं पांचवी या छठी क्लास में पढ़ता था। हो सकता है कि शायद आपको ये कहानी उतनी ज़्यादा डरावनी ना लगे, लेकिन उस समय मेरी जान खत्म होने आ गई थी। खैर मगर संक्रांति के दूसरे दिन की बात थी। पिताजी आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे और घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ ही थी। हम लोगों ने उस समय नया नया घर लिया हुआ था, बस इसीलिए मेरे वहाँ ज़्यादा दोस्त नहीं थे। मैं बस पूरा दिन टीवी देखता रहता था। मेरे कानों पर बहुत आवाज़ें आ रही थी, मुझे लगा कि शायद माँ होगी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन दोस्तों समय की एक सीमा होती है। जब बहुत टाइम बीत गया और आवाज़ आती रही तो मैंने नींद में ही माँ से कहा कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, प्लीज़ सो जाओ। पर सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया। दोस्तों हमारा रूम हॉल के साइड में है। रूम से बाहर हॉल अच्छी तरह से दिखाई देता है। तो ठीक उस समय मेरा दरवाज़ा हल्का खुला हुआ था। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की तो पाया कि दो लोग मेरे हॉल में खड़े थे। जाहिर सी बात है उस समय मेरी माँ तो नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो तो सो रही थी। चलो अगर ये मान भी लिया जाए कि वहाँ मेरी माँ खड़ी थी, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि वो दूसरी औरत कौन थी। दोस्तों मैं डर गया। मैंने चुपचाप अपना कंबल ओढ़ लिया। कैसे बताऊं आपको कि मुझे किस तरह नींद आई। इसके बाद जब सुबह में उठा तो मैंने माँ से कहा कि क्या आप रात को बाहर थी। माँ ने कहा कि मैं तो रात भर उठी ही नहीं। मैंने माँ से तुरंत कहा तो वो औरत कौन थी जो मुझे दिखी। माँ ने मेरी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। खैर उस दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बस इसीलिए मैं उस दिन जल्दी सो गया। सोने के थोड़ी देर बाद मुझे हॉल में किसी के चलने की आवाज़ आने लगी, लेकिन मैं चुपचाप सोया रहा। इस बात को कुछ महीने बीत गए, मैं इन सब चीज़ों के बारे में भूल भी चुका था। वैसे आपको एक बात बताऊं तो मेरे माता पिता दोनों ही जॉब करते हैं, मैं अक्सर घर में हॉलीडेज के दिन भी अकेले ही रहता हूं। इसी तरह एक दिन की बात है, उस दिन मैं टीवी देख रहा था। टीवी देखते देखते मुझे छत से आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चल रहा हो। मैंने टीवी वहीं बंद कर दिया। मैंने उस आवाज़ की ओर ध्यान लगाया तो पाया कि कोई चल तो रहा था, लेकिन साथ ही साथ बातें भी कर रहा था। दोस्तों मैं अचानक डर गया। मैं तुरंत अपने घर को ताला लगाकर अपने दोस्त के पास चला गया। इसके बाद जब माता पिता शाम को घर आए तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर ज़रा भी विश्वास नहीं किया। खैर मैं करता भी तो क्या, बस ये था कि मुझे अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ था। एक दिन की बात है, मैं अपने मामा की शादी में गांव गया हुआ था। सब लोग वहां पर एकदम मज़े में थे। ठीक शादी के एक दिन पहले हल्दी होती है तो देर रात तक लोग नाच गाना भी करते हैं। तो दोस्तों ठीक उस दिन मैंने खूब मज़े किए, मैंने बहुत नाच किया। मैं इतना ज़्यादा थक गया था कि मैं वहां पर एक बेड पर सो गया। रात हुई और आधी रात को मेरी अचानक नींद खुली। दोस्तों उस वक्त मैं थोड़ा छोटा था, इसीलिए मैं अपनी माँ के पास ज़्यादा सोता था। लेकिन जब मैं उस वक्त उठा तो मैंने देखा कि मैं अपनी दादी के पास सो रहा था। मैं उठकर अपनी माँ को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते मुझे मेरी माँ किचन की साइड में सोती हुई दिखी। मैं एकदम चौंक गया कि माँ वहाँ क्यों सो रही है। पर खैर उस वक्त मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं चुपचाप उनके पास जाकर सो गया। सोते सोते मुझे अचानक ठंड सी लगने लगी।
उस वक्त मैं हल्की हल्की नींद में था। मैंने उठकर साइड में नजर दौड़ाई तो पाया कि वहां मेरी माँ नहीं थी। ये देखकर मैं थोड़ा डर गया। मैं बैठकर इधर उधर देखने लगा तो यकीन मानिए मुझे एक परछाई जैसी कोई चीज दिखाई थी। उस वक्त उसे देखकर मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैं तकरीबन आधे घंटे तक बिना कुछ बोले, बिना हिले डुले चुपचाप वहां बैठा रहा। उस वक्त मुझे देखकर आप ऐसा कह सकते हो जैसे मुझे कोई शॉक लग गया हो। ना तो मैं हिल पा रहा था और ना ही बोल पा रहा था। थोड़ी देर बाद वो परछाई वहां से गायब हो गई। पर दोस्तों, सोचने वाली बात तो यह है कि उस परछाई के गायब होते ही मैं अचानक से हिलने लगा, मानो सब कुछ एकदम ठीक हो गया हो। मैं उठा और तेजी से वहां से भागा जहां पर सब लोग सो रहे थे। सबके पास पहुंचकर मैंने देखा कि ठीक दादी के बगल में मेरी माँ सोई हुई थी। दोस्तों, मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप माँ के बगल में सो गया। खैर, सुबह हुई, मैंने ये सारी बातें माँ और दादी को बताई। मेरी बात सुनकर मेरी दादी ने कहा कि बेटा, शायद वो कोई आत्मा थे जिसकी शायद शादी के वक्त मौत हो गई होगी। दोस्तों, दादी की बात पर मैं कितना यकीन करूं और कितना नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। पर दोस्तों, आपको इस कहानी में कितनी सच्चाई लगती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी ओमकार की कहानी। दोस्तों, ओमकार ने जिस तरह से कहानी के बारे में बताया तो ठीक उस हिसाब से कहानी को समझ पाना थोड़ा जटिल है, और तो और साथ ही इस कहानी पर यकीन कर पाना वो थोड़ा और मुश्किल है। पर ठीक, अभी मैं आपको ले चलता हूं हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अंशु आर्यन है। ये बात 2020 की है, जब लॉकडाउन लग गया था। एक दिन की बात है, उस दिन चाचा जी और मैं और मेरे कुछ दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। रात का कुछ 12:30 का समय था। उसी बीच मेरा एक दोस्त बोला कि चाचा जी, आप इतनी रात भर ट्रक चलाते हैं, क्या आपने कभी रास्ते में भूत देखा है? दोस्तों, इसके बाद चाचा ने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि बचपन की बात है, हमारे पड़ोस में किसी की शादी थी। शादी के 2 दिन पहले हमने कार्ड भेजने के लिए अपना एक खास आदमी भेजा, लेकिन उस वक्त सबसे बड़ी परेशानी क्या थी पता है? उस आदमी ने रास्ते में शराब इतनी पी ली कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उस आदमी को हमने ये कहकर भेजा था कि शादी के कार्ड को हमारी दादी शमशाबाद भेजकर आना है। पर खैर, कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि उस आदमी ने शमशाबाद की जगह शमशान घाट पर शादी का कार्ड दिया है। उसने वहां जाकर कहा कि आप जितने भी हो, आप सबको शादी में आना है। दोस्तों, पहली बात, इंसान कई बार नशे में इतना धुत हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसने किया क्या है। पर खैर, शादी का दिन था। अचानक सारी रोशनी के बल्ब अपने आप चालू बंद होने लगे। भूत कहने लगे कि हमें जल्दी से दावत खिलाओ। सबके सब बहुत डर गए। सबने मिलकर मालपुआ लगाया। सारा मालपुआ भूतों ने मिलकर एकदम खत्म कर दिया। जब मालपुआ खत्म हुआ तो वो कहने लगे कि हमें और चाहिए, वरना हम सबको मार देंगे। दोस्तों, हमारे ताऊजी बहुत बहादुर इंसान थे। उन्होंने तुरंत पूछा कि तुम्हें किसने भेजा है, तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि तुम्हारा ही एक आदमी आया था, उसने हमसे कहा था। ताऊ तुरंत समझ गए कि ये शायद शमशाबाद की जगह शमशान घाट कार्ड देकर आया है। ताऊजी ने कहा कि अब आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि हमें जिसने शादी का कार्ड दिया है, बस उसके हाथ का एक मालपुआ खाना है, हम चुपचाप चले जाएंगे। दोस्तों, हमने उस आदमी को हर जगह देखा, लेकिन वो कहीं मिला ही नहीं। उसी बीच हमारे एक भाई ने कहा कि वो अपने घर में नशे में पड़ा है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, हम उसे घर से उठाकर लेकर आए, तब जाकर उन्हें मालपुआ खिलाया। लेकिन दोस्तों, फिर भूतों ने कहा कि जिस लड़की की शादी है, उस लड़की को एक कमरे में बंद कर दो, बस 5 मिनट में हम लड़की को सोने से सजाकर चले जाएंगे, जिसमें सोने का हार, कुंडल और सब कुछ सोने का होगा। दोस्तों, फिर क्या था, उन्होंने जैसा कहा ठीक वैसा ही हुआ। अब मालूम नहीं क्या वो कोई इंसान थे या भूत, लेकिन वो जो कोई भी थे, वो थे बड़े ही खतरनाक टाइप के। बाकी दोस्तों, आपको ये कहानी न जाने कैसी लगेगी, मुझे तो जिस तरह चाचा ने सुनाई, मैंने ठीक आपके सामने रख दी। बस इतनी ही थी ये कहानी।
तो दोस्तों देखा आपने, ये थी अंशु की कहानी जो कि उन्हें उनके चाचा जी ने सुनाई थी। दोस्तों कहानी इनकी बड़ी ही अटपटी थी, ठीक उसी तरह इस कहानी को लेकर कुछ भी कह पाना मेरे लिए असंभव है। बाकी आपको जैसी भी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि तब तक मैं ले चलता हूँ आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम राज है और मैं बिहार के छोटे से जिले सिवान का हूँ। दोस्तों ये घटना मेरे पिताजी के साथ हुई थी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये घटना मेरे पिताजी की शादी के पहले की है। उस वक्त मेरे पिताजी के चार और दोस्त हुआ करते थे जो कि अक्सर रात को 9 से 12 मूवी देखने जाया करते थे। लेकिन एक दिन मेरे पिताजी को घर से निकलने में थोड़ी देर हो गई। उस वक्त उनके सारे दोस्त जा चुके थे। उस समय रात के 10 बज चुके थे। पिताजी अकेले ही सिनेमा की ओर निकल पड़े। साथ ही मेरे पिताजी की एक आदत थी अपने जूते में चाकू रखने की। तो ठीक रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था। जब पिताजी उस कब्रिस्तान के पास से निकल रहे थे तो उन्होंने अंधेरे में एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत को देखा जो कि पिताजी को कब्रिस्तान के अंदर बुला रही थी। नहीं मालूम पर कैसे उसने मेरे पिताजी को अपने वश में कर लिया, क्योंकि उस वक्त पिताजी कब्रिस्तान के अंदर जा रहे थे। पर शुक्र था एक बुजुर्ग आदमी का जिसने उस वक्त पिताजी को अंदर जाते हुए देख लिया। उसने तुरंत उनका हाथ खींचकर उनको बाहर की ओर कर दिया। उस वक्त पिताजी अपने होश में नहीं थे, लेकिन उस आदमी ने वहीं पास के एक मंदिर में जो कि दुर्गा माता जी का था, उसने पिताजी को उन्हें वहीं जाकर सुला दिया। लेकिन कहीं ना कहीं पिताजी इतना डर गए थे कि वो डर के मारे पूरी रात जागे रहे। थोड़ी देर बाद उनके कानों पर आवाज़ पड़ी जो कि पिताजी से कह रही थी कि तेरी किस्मत अच्छी है जो तू बच गया, अगर एक बार तू अंदर आ जाता तो फिर कभी बाहर नहीं जा पाता। दोस्तों इतना कहकर वो हंसते हुए वापस कब्रिस्तान के अंदर चली गई। इसके बाद जैसे ही सुबह के 4 बजे तो मेरे पिताजी ने जूते के अंदर से चाकू निकाला और भगवान का नाम लेकर वहां से चुपचाप चल दिए। दोस्तों इसके बाद वो ठीक ठाक घर तो पहुंचे, लेकिन अब वो कभी भी रात को मूवी देखने नहीं जाते। साथ ही मुझे ये उम्मीद है कि आर्या जी मेरी इस कहानी को आप सभी लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। सच कहूं मैं आप सभी को बताना चाहता हूं ये एक रियल घटना है, बाकी आप माने या ना माने ये सब आपके ऊपर है। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों ये थी राज के पिताजी की कहानी। बाकी कहानी में कमेंट करते हुए आगे चलते हैं हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। मेरा नाम अमन है, मैं कानपुर में रहता हूँ। ये कहानी 5 महीने पहले की है। साथ ही मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं गेमिंग वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक जहाँ पर हम वीडियो बनाने जाते थे ठीक वहाँ पर एक कब्रिस्तान है। वो कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, एक फुटबॉल फील्ड के जितना बड़ा। तो ठीक मैं और मेरा एक दोस्त हम लोगों को कब्रिस्तान के अंदर से होकर जाना पड़ता था। कब्रिस्तान के लास्ट में एक गेट है जिसको पार करने के बाद एक बहुत बड़ा पार्क है, और तो और कब्रिस्तान और पार्क के बीच में बस एक दीवार है। तो ठीक हम लोग रोज की तरह एक दिन वहीं जा रहे थे। वैसे आप सभी को बता दूं कि हम लोगों को वहां जाते 1 साल हो चुका है, पर एक दिन की बात है हम लोग वहां बैठकर आराम से गेम खेल रहे थे कि अचानक से एक दीवार गिर गई। वो दीवार न जाने कैसे गिरी, लेकिन उस वक्त हम दोनों ही वहां पर थे। दीवार के गिरते ही हम लोगों को कब्रिस्तान दिखाई दिया। उसे देखकर मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा डर गया। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मुझे इन सब चीज़ों से बिल्कुल डर नहीं लगता। खैर उस वक्त हम वहां से चुपचाप घर वापस चले गए। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग अक्सर रात के टाइम कब्रिस्तान जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को दिन में टाइम नहीं मिलता। पर खैर इसके अगले दिन हम लोग रात के 8 बजे दोबारा उस जगह पर गए। हम लोग ठीक उसी जगह पर बैठे जहां हम अक्सर बैठते हैं। उस दिन गेम खेलते खेलते हमें वहां समय का पता ही नहीं चला। हमें 3 घंटे हो चुके थे। उसी बीच खेलते खेलते मेरे दोस्त ने कहा कि चलो अब घर चलते हैं। दोस्तों हम लोग जैसे ही वहां से उठे तो हमने अचानक से देखा कि एक 14 से 15 फुट लंबा आदमी वहीं कब्रिस्तान में कब्र में कुछ कर रहा था।
जब हमने ध्यान से देखा तो पाया कि वो किसी इंसान को खा रहा था। ये सब देखकर मेरा एक दोस्त बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन मुझे डर नहीं लगा। पर दोस्तों, घर जाने का रास्ता सिर्फ एक ही था। उस वक्त हम लोग वहां से जा भी नहीं सकते थे। मेरा दोस्त एकदम पसीना पसीना हो चुका था। जैसे तैसे करके मैंने उसे संभाला। हम लोग थोड़ी देर तक वहीं पर बैठे रहे। मैंने थोड़ी देर बाद अपना फोन निकाला तो पाया कि उसमें बैटरी ही नहीं थी, फोन ऑफ हो चुका था। दोस्तों की डर की वजह से हम वहां पर बैठे रहे। रात के 12:20 हो चुके थे। वैसे मैं हाथ पर घड़ी भी पहनता हूँ। दोस्तों, पूरी रात ऐसे ही निकल गई। हम लोग उस आदमी को ही देखते रहे। इसके बाद हम सुबह फजर के टाइम वापस अपने घर गए। दोस्तों, घर जाने के बाद हमारे साथ हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन पता करने पर पता चला कि कई लोगों का कहना है कि हर कब्रिस्तान में एक इसी तरह का शख्स होता है जो कि मुर्दों को खाता है। बाकी पता नहीं ये कहानी आपको कैसी लगेगी, लेकिन इस कहानी के अपलोड होते ही मैं महेश सर को और भी कहानियां भेजूंगा। धन्यवाद। दोस्तों, ये थी अमन की कहानी। न जाने आपको ये कहानी कैसी लगेगी, पर जैसी भी हो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब मैं आपको ले चलता हूं हमारी आज की 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रेहान है। मैं अकोला महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। ये कहानी मेरे चाचा की है। मेरे चाचा अकोला से दूर अलंदा नाम के गांव में रहते हैं। आपको बता दूं कि अकोला से अलंदा का रास्ता डरावना जंगल जैसा है। खैर, आपको बता दूं कि हमारे घर का रिनोवेशन का काम खत्म हुआ था, इसीलिए हमने घर पर पार्टी रखी थी जिसमें हमारे चाचा और दूसरे रिश्तेदार भी आए हुए थे। उस वक्त हमने खाने के साथ खीर भी रखी थी। चाचा को खीर बेहद पसंद थी, इसीलिए वो कुछ खीर अपने घर ले जाने लगे। शायद वो उनकी बहुत बड़ी भूल थी। घर जाते जाते चाचा को 12 बज गए थे। वो उस वक्त बाइक से घर की ओर जा रहे थे। जंगल का रास्ता एकदम सन्नाटे से भरा था। रास्ते में चलते चलते चाचा की गाड़ी अचानक बंद पड़ गई। थोड़ी देर में चाचा को ऐसा लगा कि मानो जैसे कोई उनको पीछे से आवाज दे रहा हो। ये सब सुनकर वो अचानक से डर गए। वो चुपचाप मन ही मन ऊपर वाले का नाम लेने लगे। वो लगातार गाड़ी स्टार्ट करते रहे। बहुत मेहनत के बाद उनकी गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो सीधा घर पहुंचे। इसके ठीक अगले दिन वो एक मौलवी साहब के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना सारा वाक्या सुनाया। मौलवी जी ने कहा कि क्या तुम कोई दूध या कोई मीठा सामान लेकर गए थे? चाचा ने कहा, हाँ, मैं खीर लेकर जा रहा था। मौलवी जी ने चाचा से कहा कि कभी भी दूध या मिठाई रात के वक्त नहीं ले जानी चाहिए। हाँ, अगर आप ले जा भी रहे हो तो पन्नी में थोड़ा कोयला डालकर ले जाना चाहिए। दोस्तों, चाचा ने सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर इसके बाद उन्होंने दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करी। वैसे आपको बता दूं कि मेरे पास और भी कहानियां हैं। मैं जल्द ही और भी कहानियां भेजूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी रिहान के चाचा की कहानी। और ठीक अब मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की 6वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शब्बीर है। मेरा घर बिहार के सिवान जिले में है। और ठीक जो कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो मेरे गांव छपिया की है। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है। 2019 में कोरोना के आने के पहले मैं और मेरे 5 दोस्त हम लोग घर से 4 किलोमीटर दूर एक मज़ार पर गए थे। उस समय मज़ार पर उस्र का टाइम था, तो ठीक ऐसे में मेला लगता है। हम लोग शाम के 6 बजे इधर से लोकल ऑटो करके गए, बट उधर से आने में हमें रात के 10 बज चुके थे। 4 किलोमीटर पैदल चलना था, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर जल्दी ऑटो नहीं मिलते। हमने ठीक पैदल चलने का सोचा। रास्ते में एक आम का बगीचा पड़ता है जो कि बहुत ही खतरनाक है। वहाँ हर महीने में एक बार तो पक्का है किसी ना किसी की मौत हो ही जाती है, या फिर किसी ना किसी को मार कर फेंक दिया जाता है। वो बगीचा ठीक रोड से 50 फीट की दूरी पर पड़ता है, जो कि हर आने जाने वाले को आसानी से दिख जाता है। आपको बता दूं कि हमारे पैदल जाने के कुछ दिन पहले ही वहाँ एक आदमी को मारकर उसका सर काट कर फेंका था, और बाकी बचा उसका हिस्सा
वही पेड़ पर रस्सी से टांग दिया गया था। दोस्तों, हम लोगों को ये बात नहीं पता थी। हम लोग पैदल चलने का सोच ही रहे थे कि तभी मेरा एक दोस्त, जिसका नाम अमजद है, उसने कहा कि यार इस वक्त पैदल जाना ठीक नहीं होगा। मैंने सुना है कि आजकल बगीचे में बहुत लोगों को मारकर फेंका जाता है, कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसी बीच मेरे एक और दोस्त ने कहा कि क्या यार, तू पुराने जमाने जैसा सोच रहा है, आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोगों को देख, हम एकदम पाक साफ हैं, हम मजार से लौट रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा। इसके बाद हम सब पैदल चलने लगे। दोस्तों, जब हम बागीचे के पास पहुंचे तो अचानक हवाएं एकदम से तेज होने लगी। हवा की वजह से कच्चे आम टूटकर पेड़ के नीचे बिखरे हुए थे। आम को देखकर हमारे मन में लालच आया, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना इन्हें घर ले जाया जाए। ये कच्चे आम घर ले जाकर अचार बनाने के काम आएंगे। दोस्तों, उस वक्त रात के 11:30 हो रहे थे। हम सब ठीक पेड़ के नीचे गए और आम बीनने लगे। उसी बीच अचानक एक कच्चा आम मेरे सर पर आकर गिरा। मैंने ठीक उस आम को उठाया और ऊपर की तरफ देखा। दोस्तों, ऊपर की तरफ देखते ही अचानक मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि एक आदमी, जिसकी कटी हुई बॉडी और सर भी गायब, उसका पूरा शरीर किसी झूले की तरह झूल रहा था। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, एकदम कफन की तरह। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उस आदमी के हाथ पैर काम कर रहे थे। उसने मुझे हाथ की चार उंगलियों से मेरी ओर इशारा किया। वो इशारा मुझे अपने पास बुलाने का था। दोस्तों, मेरी तो हालत ही खराब हो गई। मैंने तुरंत नजर नीचे की और अपने दोस्तों से कहा कि चलो अब चलते हैं। सबने कहा कि रुक जा, अभी तो इतने सारे हैं, हम एक एक करके चुनने थे। इसके बाद मैंने उन्हें इशारों में कहा कि भाई, जिंदगी रहेगी तो बहुत आम मिलेंगे। दोस्तों, मेरी आंखों में इतना डर था कि मेरे दोस्त मुझे देखकर समझ गए कि जरूर इसने कुछ तो देखा होगा। इसीलिए उन्होंने मेरी बात मानी और कहा कि चलते हैं। दोस्तों, उसके ऐसा बोलते ही अचानक जोर से हवाएं चलने लगी। दोस्तों, जिस पेड़ पर मैंने वो बॉडी देखी थी, उसे देखकर ऐसा लगा कि जैसे वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़ रहा था। हम जैसे जैसे रोड की तरफ आ रहे थे, वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पेड़ों को चेंज कर रहा हो। इसके बाद अचानक एक जोर से आवाज आई कि रुको, अभी और आम नहीं लोगे। दोस्तों, ये आवाज सुनकर मेरे एक दोस्त को तो चक्कर भी आने लगे। हम लोग सीधा आगे की तरफ चल रहे थे। हम ठीक रोड पर आने के करीब थे, उसी बीच अचानक एक डाली टूटकर हमारे सर के बिल्कुल 1 फीट दूरी पर आकर गिरी। इसके बाद अचानक हंसने की आवाजें आई। हमारी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम एक बार भी नजर ऊपर करके देखें कि आखिर ऐसा क्या है। दोस्तों, इसी बीच मेरे एक दोस्त ने तुरंत कलमा पढ़ना चालू किया, वो भी जोर जोर से, ताकि उसकी आवाज उस कानों तक पड़े जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। दोस्तों, इसके बाद हम सबने भागना शुरू किया। हम लोग एक ही सांस में भागते हुए अपने अपने घर पहुंच गए। घर वाले हमारी हालत देखकर समझ गए कि आखिर बात क्या है। घर वालों ने पानी दिया और पूछा कि क्या हुआ। मैंने बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। इस बात को बताने के बाद घर वालों ने मुझे बहुत डांट लगाई, साथ ही ये भी कहा कि उस रास्ते से, वो भी पैदल, इतनी रात को, दिमाग तो ठीक है। मैंने कहा कि अब आगे से नहीं होगा। दोस्तों, इसके बाद मैं चुपचाप सो गया। सोते सोते रात के 3 बजे उसरत में मैंने ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में वही कटी हुई बॉडी को देखा जो कि मुझसे कह रही थी कि आज तो तुम लोग बच गए, दोबारा अगर मेरे रास्ते में आए तो बच नहीं पाओगे। इतना कहकर वो जोर से हंसा और अचानक गायब हो गया। सुबह होते ही मैंने घर पर कहा कि रात मैंने ख्वाब देखा है। इसके बाद घर वालों ने मुझे एक मौलवी साहब को दिखाया। मौलवी जी ने मुझे एक ताबीज़ दिया और कहा कि इसे उतारना नहीं और अब से रात को बिल्कुल फ्री माइंड होकर सोना। दोस्तों, इसके बाद ऊपर वाले की मेहर है, फिर दोबारा मैंने कभी ऐसा ख्वाब नहीं देखा और ना ही मुझे कुछ महसूस हुआ। पर दोस्तों, अभी भी और आज भी मैं उस मंजर को याद करके डर जाता हूँ। मैं अक्सर कभी भी रात को उस रास्ते से गुजरता ही नहीं हूँ। वैसे आपको बता दूँ कि इस वक्त मैं बेंगलोर आ गया हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी ये कहानी महेश भाई अपने चैनल पर ज़रूर सुनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे ज़िले के लोग सुने तो उनको भी इस एरिया के बारे में मालूम हो। मैं चाहता हूँ कि वो भी रात को उस रास्ते से ना जाए।
बस यही मुझ पर बीती हुई कहानी है। खुदा हाफिज। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी शब्बीर की कहानी। वैसे कहानी इनकी लाजवाब थी, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ, आइए सुनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्पेंद्र है। मैं यूपी के फुकराबाद सरोली गांव का रहने वाला हूं। मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर एक राजा का किला था। वो एक टाइम था, लेकिन अब वो टूट चुका है। उसे सब लोग अब टीला बोलते हैं। दोस्तों, ये घटना मेरे साथ हुई थी। मैं एक बार स्कूल न जाकर टीले पर बैठने गया था। मैं अक्सर उस टीले पर अकेला जाता था। खैर, उस दिन कोहरा भी कुछ ज़्यादा था। उस वक्त मैं वहाँ बैठकर बुक पढ़ रहा था कि तभी अचानक मुझे एक आवाज़ आई जो कि मेरे एक दोस्त की थी। उसने मुझसे कहा कि पुष्पेंद्र, यहाँ आओ। दोस्तों, मैं सोच में पड़ गया कि यहाँ पे ये कैसे आ गया। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे तो कोई नहीं दिखा। खैर, कुछ देर बाद मुझे एक लड़की दिखाई दी जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। वो ठीक मुझे राजा की जहाँ पे कब्र थी वहाँ पर बुला रही थी। मैं तो उसे देखकर एकदम से डर गया। मैं ठीक वहाँ से भागने की सोच रहा था। वो मुझे देखकर अचानक से हंसने लगी, कहने लगी कि कहाँ जाएगा भाग के। वो तो शुक्र था कि पास में ही एक मंदिर था। मैं तुरंत वहाँ जाकर बैठ गया और मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया। दोस्तों ने मुझे बहुत डांटा, मुझसे कहा कि तू अकेला वहाँ पर क्यों जाता है। दोस्तों, फिर मैं उनके साथ वापस अपने घर गया। सच कहूँ तो उस दिन के बाद से मैं वहाँ पर कभी नहीं गया। और तो और, इस बात को भी अब 1.5 साल हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि दोबारा कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा मंजर ना देखना पड़े। बस इतना ही था ये किस्सा। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। मुझे उम्मीद है कि आपको इन कहानियों में से कुछ कहानियाँ ज़रूर पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ ज़रा सी भी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं तो मिलता ही रहूँगा आपको इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमय कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।